अगर आपका पेटीएम से मनी ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है यूपीआई के द्वारा, तो अगर ये प्रॉब्लम आ रहा है इनकोरेक्ट यूपीआई पिन इंटर टू मेनी टाइम्स प्लीज रिसेट पिन एंड ट्राई अगेन, तो इस वीडियो को आप निश्चिंत से देखिए, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन बताने वाले हैं। इसी वीडियो में अगर आप जानना चाहते हैं, इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, आपका जो है मनी ट्रांसफ़र आप इस वीडियो को देखने के बाद आप कर पाएंगे। तो दोस्तों, मेरा नाम है मिथुन कुमार, आप देख रहे हैं एमकेपी गुड टिप्स चैनल। अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बगल में जो बेल आइकन है उसे भी आप दबा दीजिए, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो दोस्तों, सबसे पहले पेटीएम ऐप्स को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपके सामने देखिए कुछ इस तरीके का इंटरफेस खुलेगा। तो यहाँ पर जैसे ही आप यहाँ पर देख सकते हैं यूपीआई मनी ट्रांसफ़र, तो यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद जो भी व्यक्ति को आप पैसा ट्रांसफ़र कर रहे हैं उसका अकाउंट जो है बेनिफिशियरी ऐड कर लेंगे। आप जितना भी उस व्यक्ति को पैसा ट्रांसफ़र कर रहे हैं वो यहाँ पे आप ऐड कर लेंगे। ऐड करने के बाद आप प्रोसीड पे क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद आपको बोला जाएगा यूपीआई पिन डालने के लिए, जो आपको पहले से बना हुआ है। तो यहाँ पे आप यूपीआई पिन डाल के उसके बाद यहाँ पे सही वाले निशान पे आप क्लिक कर देंगे नीचे में जो है। उसके बाद देखिए यहाँ पे आपका जो कह रहा है आपका मनी ट्रांसफ़र फील्ड, यानी कि आपका जो है मनी ट्रांसफ़र नहीं हुआ है, यानी कि आपका जो है कह रहा है आपको रिसेट यूपीआई पिन करना होगा। तो यहाँ पर दोस्तों कह रहा है, इसका कहने का ये मतलब है आपको जो है रिसेट यूपीआई पिन करना होगा। तो चलिए कैसे करेंगे रिसेट यूपीआई पिन, तो यहाँ पे भी देख लेते हैं। इस बटन पे आपको क्लिक करना है जहाँ पे लिखा हुआ है रिसेट यूपीआई पिन। तो जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने देखिए कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। तो यहाँ पे आपको जो है पिन रिसेट करने के लिए आपके एटीएम के कार्ड नंबर को जो है आपको लास्ट 6 डिजिट को यहाँ पर इंटर करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर मंथली जो है आपका कौन सा महीने में एक्सपायर होने वाला है वो यहाँ पर देना पड़ेगा। उसके बाद ईयर में कौन से ईयर में आपका एटीएम एक्सपायर होने वाला है वो यहाँ पे देना होगा। उसके बाद यहाँ पे देने के बाद प्रोसीड पे क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद थोड़ा मोड़ा सर्चिंग होगा। सर्चिंग होने के बाद आपको यहाँ पे कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल जाएगा। तो यहाँ पे आपको पूछा जाएगा, आपके नंबर पे जो है एक ओटीपी आएगा, ओटीपी आप यहाँ पे दे दीजिएगा। ओटीपी देने के बाद आपको बोला जाएगा आप जो है जो भी यूपीआई पिन रखना चाहते हैं वो यहाँ पे जो है इंटर करेंगे। उसके बाद आपको जो है कंफर्म करने के लिए जो आप रखना चाहते हैं यूपीआई पिन 6 नंबर का वो भी आप दोबारा डालेंगे, ताकि कंफर्म हो जाएगा। ये डालने के बाद आपको जो है फिर से जो आप अभी तुरंत बनाए हैं यूपीआई पिन वही आपको यहाँ पर डालना पड़ेगा। डालने के बाद यहाँ पर आप ओके पे क्लिक कर देंगे, यानी कि सही वाले निशान पर आप क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद आपका देखिए पेमेंट जो है ट्रांसफ़र हो जाएगा एकदम सक्सेसफुल। तो आप यहां पे देख सकते हैं मनी ट्रांसफर सक्सेसफुल हो चुका है। तो इसी तरीके से गाइज आप जो है इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन यही है कि आप जो है रिसेट यूपीआई पिन करके आप जो है आपका मनी जो है ट्रांसफर हो जाएगा। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दीजिए। अगर कोई भी सवाल या सुझाव है इस वीडियो की रिकॉर्डिंग, तो आप हमें इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों, अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में जो बेल आइकन है उसे भी आप दबा दीजिए, ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहेगा। तो दोस्तों, फिर मिलेंगे किसी एक और नए शानदार वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।